हेलो नमस्कार, मैं अनुमान चैनल में आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर 3/3/2023 को सरकारी आदेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को, ठीक है, पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आदेश क्रमांक है 607। इसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो में बने हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट पाने के लिए। इसमें लोक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश क्रमांक 607/3/3/2023 को आदेश जारी किया गया। प्रति जो भेजी गई जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश को भेजी गई है। दूसरे भेजी गई है आवितरण संवितरण अधिकारी को समस्त मध्य प्रदेश को, ठीक है। विषय है अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु आवंटन के संबंध में। संचालन का पत्र क्रमांक है 810/2022-23 दिनांक 8/2/2023 को आदेश जारी किया गया था। संदर्भ पत्र अनुसार शैक्षण सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान एवं जनवरी 2023 तक के मानदेय भुगतान हेतु जानकारी जिले के मध्य से गूगल ड्राइव में समस्त आवितरण संवितरण अधिकारियों को भेजी गई है, किंतु संकलन सूची अनुसार DDO द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की जानकारी समय सीमा में उपलब्ध कराई गई है और घोर अनियमितता एवं लापरवाही का घोतक है। अतः पुनर्निर्देशित किया जाता है कि जिस जिले अंतर्गत समस्त आवितरण संवितरण अधिकारी के जिले के अतिथि शिक्षक हेतु नियुक्ति नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जानकारी पूर्व में निर्धारित पत्र पर समय सीमा में उपलब्ध कराएं, उपयुक्त निर्देश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभय वर्मा है, लोक शिक्षा विभाग के। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय के संबंध। प्रति जो भेजी गई विशेष सचिव को भेजी, स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी गई, सभी जगह पे सूची सर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, धन्यवाद।